नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ऊपर वाला तो एक ही है, कोई राम कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, तो कोई भगवान कहता है, लेकिन है तो एक ही। ऐसा ही कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी लोग करते हैं। इंजन की टेक्नोलॉजी सेम होती है, लेकिन हर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर उसका अलग अलग नाम रख देता है, जैसे कि CRDI या फिर DICOR, डाइकोर या CRDI। इन दोनों का मतलब सेम ही है, और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कि सेम ही है लेकिन अलग अलग नाम उनको अलग अलग पेरेंट कंपनी ने दे दिया है। इसका मतलब है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। अब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी जो कि अलग अलग नामों से पहचानी जाती है, इसको मैं आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन का मतलब, उसका मीनिंग और उसका जो इंपॉर्टेंस है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। इसके अंदर एक कॉमन रेल होती है। पहले इंजन के अंदर एक पंप होता था जो कि फ्यूल को पंप करके सिलेंडर्स तक पहुंचाता था, जो कि सिलेंडर में इंजेक्टर के द्वारा सिलेंडर में एंट्री कर जाया करते थे। इस प्रोसेस को मोर इफिशियंट बनाने के लिए CRDI टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। CRDI टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा ये फ्यूल पहले ही एक कॉमन रेल यानी कॉमन एक पाइप होता है, उसके अंदर एंटर कर जाता है और हाई प्रेशर इंश्योर करता है। तो ये हाई प्रेशर वाला फ्यूल जब भी जरूरत पड़ती है सिलेंडर की तरफ मूव करता है थ्रू सम स्मॉलर पाइप्स। ये पाइप्स सिलेंडर के इंजेक्टर्स से कनेक्टेड होते हैं, और जैसे ही जरूरत पड़ती है वैसे ही सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाते हैं। इनफैक्ट ये इतने एफिशिएंट होते हैं कि एक ही स्ट्रोक में हो सकता है ये कई बार फ्यूल को इंजेक्ट करे फेज वाइज मैनर में। इस कारण से फ्यूल बेटर बर्न होता है, ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है और इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट द CRDI टेक्नोलॉजी यानी कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ये नॉलेज जो आपके पास है। टेक केयर एंड जय हिंद।